देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिराइव कराया था, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। वही सेम चीज है। ठीक है, अब इसका प्रूफ अब देखो, इसका प्रूफ आप देखो। ठीक है, आप देखो, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रूफ मैं बता रहा हूँ। अब आप जानते हो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दोनों का लेंथ बराबर होता है। ठीक है, इस साइड को ए मान लो और ये साइड बी, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं। दूसरा आपको हम बताते हैं, देखना बहुत आसान तरीके से इसका हम प्रूफ बताएंगे, इसलिए आप ये समझना है। ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, ये पूरा लेंथ डी वन है। तो आपको पता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब उसका भी प्रूफ हम बता दें, देखो शॉर्टकट में बता देते हैं। ये पूरा लेंथ डी वन है तो बाइसेक्ट किया तो डी वन बाई टू, डी वन बाई टू। ये पूरा लेंथ डी टू है तो ये डी टू बाई टू और डी टू बाई टू। ठीक है, आपको देखो हम इसमें प्रूफ बता देते हैं, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर कैसे। देखो ये ट्रायंगल देखो और ये ट्रायंगल देखो। ठीक है, आप देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों साइड ए पैरेलल है तो ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल, और ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल। तो दो एंगल बराबर, दो एंगल सेम और एक साइड सेम, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। ठीक है, तो इसलिए बाइसेक्ट कर दिया दोनों डायगोनल को। अब देखो, अब इसका यूज करके अब दिखाते हैं इसका प्रूफ। ये बहुत आसान प्रूफ है। देखो इसको मान लिया थीटा, तो ये देखो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या है, कॉस थीटा लिख दोगे एक ट्रायंगल में। इसका भी डेरिवेशन करा ही दिया हूँ, पिछले वीडियो आप देख लेना। ठीक है, इसका भी कॉस थीटा का, दोनों के साइड वाले का स्क्वायर, तो डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू, यह हमने लिख लिया। अब ये देखो कॉस ऑफ एक्स इस ट्रायंगल में, अब आप देख लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों साइड वाले का प्लस डी टू बाई टू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू। ये देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो एलएचएस क्या हो जाएगा, जीरो। देखो बेस दोनों का कॉमन है तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो टू टाइम्स डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डी टू बाई टू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टू टाइम्स डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू। ठीक है, यही आया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, और इसको निगेटिव वाले को इस तरफ लेकर आ जाए तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और इधर लेकर आ गए इससे निगेटिव वाले को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स डी वन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू टाइम्स डी टू स्क्वायर अपॉन फोर। आप देखो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सारे साइड्स के सम का, दो दो साइड्स हैं, एक ए बी बी दोनों का स्क्वायर का सम आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको हमेशा जहन में रखना, शॉर्टकट आप हमेशा इसे दिमाग में रखना। ठीक है, यह पैरेललोग्राम का फेमस रिजल्ट है। ठीक है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यूज करके दिखाया था।
ठीक है, तो ये भी याद रखना, और फिर ये भी आप याद रखना कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये बहुत फेमस रिजल्ट है, आप इसे जरूर ध्यान रखना। ये जो डेरिवेशन है मैंने अपने सोच करके लगाया है, ठीक है, और ये कॉस थीटा का ये फॉर्मूला जो ट्रायंगल में लिखते हैं इसका भी मैंने डेरिवेशन कराया है, ठीक है, कोई चीज रटना नहीं है, आप उसका डेरिवेशन जरूर जानो, ठीक है। आजकल मैथमेटिक्स में लोग ट्रिक बता करके पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, उससे कभी नहीं, देखो डेप्थ डेप्थ नॉलेज रखोगे, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी सक्सेस बहुत मैसिव मिलेगा, वरना शैलो सक्सेस से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। लाइफ बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ी है, ठीक है, जीवन एक दिन का नहीं है कि जी कर उम्र बिता दिया, ठीक है, और लाइफ में अपना एक पहचान डेवलप करो, ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें रट के या क्या सोचते हैं कभी, फिर जब डेप्थ में सोच लेते हैं फिर देखते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, तभी हम वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे रट के बताना हो तो सिंपल जो बुक्स में दे रखे हैं वही मेथड से, इसको हम कॉस थीटा वाले मेथड से हम क्यों बताते हैं, ठीक है, तो हम भी इस पर बहुत टाइम डिवोट करते हैं, तभी ये जाके ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आ पाते हैं और ऐसे प्रोसेस आते हैं।